पहले हम लोगों ने साइन के फंक्शन की बात की थी और उसकी सारी वैल्यूज कहां से आती हैं। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, कॉस की वैल्यूज सारी कहां से आती हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हम कॉस की वैल्यूज पता करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। तो कॉस जीरो डिग्री, सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल चाहिए होगा, राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल बना लिया, ये मान लीजिए वन है, इसकी लेंथ वन है, इसकी लेंथ वन है, ठीक है, और ये है थीटा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, थीटा को जीरो करना है। थीटा को जीरो हम तभी कर सकते हैं कि जब ये वाली साइड, ये चीजें झुकती चली जाए, ये कम होती चली जाए। तो कैसे कम होगी, ये वाली जो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है, इसको क्या करेंगे, यहां से मिलाएंगे तो ये थीटा और कम हो गया, यहां से मिलाएंगे तो थीटा और कम हो गया, यहां से मिलाएंगे और थीटा कम हो गया। अगर इस लाइन पर ही आ जाए हाइपोटेनस, इसका इसी लाइन पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। उस वक्त क्या हो जाएगा, बेस अपॉन पर हाइपोटेनस जो होगा वो बेस के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला तो सीधे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मगर जब थीटा जीरो होगा उस वक्त क्या होगा, बेस भी रहेगा और जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, बेस की लेंथ के बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बेस बेस कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगले की बात करेंगे, अगला कौन सा एंगल है हमारे पास, कॉस थर्टी, कॉस थर्टी। फिर हमको पता है कि कॉस थीटा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो का एंगल के साथ जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें तीनों साइडें उसकी बराबर हो, ठीक है, बना लिया हमने। अगर तीनों साइडें बराबर हैं, मान लो कि ये वन मीटर है, ये वन मीटर है, ये वन मीटर है, तो इसके सारे, अगर सारी साइडें बराबर हैं तो सारे एंगल बराबर होंगे, और कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ओके, ठीक है। फिर अब यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल हमने डाल दिया, जैसे ही हमने नॉर्मल डाला तो ये नॉर्मल इस एंगल को भी आधे में डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम तो चाहिए क्या, बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है। हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है, और ये क्या होता है, ये हो गया इसका बेस, ठीक है। थीटा से जो लगी हुई लाइन होती है वो क्या कहलाती है, बेस, और ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, बेस, बेस यहां से आप ढूंढिए बेस कहाँ है, बेस थीटा से लगी हुई लाइन ये बेस है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, और ये बेस हो गई। और हाइपोटेनस कहां पर है, हाइपोटेनस ये वाली साइड है, ये कितनी है, वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू इंटू वन, तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये कॉस थर्टी की वैल्यू भी मिल गई। कॉस थर्टी की वैल्यू मिल गई। अब अगला वैल्यू जो हम लोगों को पता करना है वो कौन से पता करना है, ये हो गई अंडर रूट थ्री अपॉन टू। कॉस 45 की वैल्यू पता करनी है, फिर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी दो साइडें बराबर हों, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल हमने बना लिया जिसकी दो साइडें बराबर हैं, ये अगर वन मीटर है, ये भी वन मीटर होगी, तो ये कितना होगा, अंडर रूट टू, ठीक है, और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, इसका जो फंक्शन होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, फिर बेस हम यहां से ढूंढ लें, थीटा के साथ, थीटा के साथ जो लगी हुई साइड है वो क्या है, बेस है, तो बेस कितना है, वन है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट टू है। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट टू, ये कॉस 45 की वैल्यू मिल गई, वन अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है। अब हम आगे फिर आएंगे,
आगे फिर हमको किस चीज की वैल्यू पता करनी है, cos 60 की वैल्यू पता करनी है, cos 60 डिग्री, ये भी फंक्शन वही रहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब cos 60 के लिए फिर हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिनकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो, ऐसा ठीक है, ये बना लिया, ये बना लिया, तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। मगर ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत है कि ये हमेशा राइट ट्रायंगल में लगता है। राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हमको एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, आधा हो जाएगा, एक का आधा, ये पूरी लाइन एक थी तो ये इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, एक का आधा हो जाएगा, ठीक है। आप cos 60 की वैल्यू पता करनी है तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस आप ढूंढिए, थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है उसको बेस कहते हैं, तो ये हो गया बेस 1/2, ठीक है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 1, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो cos थीटा, cos 60 की वैल्यू भी हम लोगों को पता चल गई, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2, ये cos 60 की वैल्यू पता चल गई, 1/2, ये cos 60 की वैल्यू पता चल गई हम लोगों को। अब हम लोगों को फिर आना है cos 90 पर, देखिए भाई cos 90 पर हम लोगों को आना है, तो cos 90 डिग्री पर हम लोगों को आना है, तो फिर हम एक क्या, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल बना लिया भाई, cos का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। अब ये हमने थीटा ले लिया, ठीक है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये अंदर 2 मीटर, ठीक है, ये थीटा को 90 करना है भाई। थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 तब होगा कि जब हम इस लाइन पर इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे भाई, अगर ये मान लो कि ये कितना था 60, तो और इस लाइन पर करीब आएंगे तो ये एंगल जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, थीटा से ज्यादा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और करीब आएंगे तो 75 हो जाएगा, एकदम करीब चले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, और करीब आए, तो जब हम इसी लाइन पर एकदम आ जाएंगे, इसी लाइन पर, इस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो थीटा उस वक्त 90 हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो उस वक्त जो बेस होगा वो बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बेस 0 हो गया, हाइपोटेनस इसका क्या है, अंडर रूट 2 बेस, किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इस तरीके से cos 90 की वैल्यू भी मिल गई, कितनी हुई, 0, ठीक है। ये पूरा cos थीटा की सारी वैल्यूज 90 तक हम लोगों को पता चल गई कहां से आती है।